हाय एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हेलो अल्केन्स। बाद में हम हेलो ओरेंज की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो में हम हेलो अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन की थी, यानी कि प्रोडक्ट जो था हमारा वो हेलो अल्केन्स था। बट आज की वीडियो में हमारा जो रिएक्टेंट यानी कि जो सब्सट्रेट रहने वाला है वही हेलो अल्केन रहने वाला है। उसको हम किसी भी रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में, और वो जो रिएजेंट के साथ कंबाइन करके रिएक्शन में एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अभी बनाने वाला है। तो तीन यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो रहेंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, उसके बाद में रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद में रहेंगी रिएक्शन विद मेटल। ये तीन रिएक्शन बेसिकली होती है, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ने वाले हैं। सो सी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि हम कौन कौन से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सो न्यूक्लियोफिलिक जब सब्सटीट्यूशन होता है तो ये तीन मेथड से होता है। पहले तो रहेगा SN1, बाद में रहेगा SN2 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, और उसके बाद रहेगा SNI यानी कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर। बट आपके सिलेबस में ये दो ही है, यानी कि SN1 एंड SN2। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों रिएक्शन देखने वाले हैं। बाद में रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और सबसे लास्ट रहेगी रिएक्शन विद मेटल, और सबसे ये लास्ट रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन में रिएक्शन विद मेटल। एलिमिनेशन में आप क्या पढ़ोगे, E1, E2 रिएक्शन एंड E1CB। ये तीन टाइप्स होती है एलिमिनेशन के, बट आपको पढ़ना है E1 एंड E2। तो ये हम बाद में देखेंगे, आज तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो मीनिंग बता देती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। हम हेलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो मेन हमारा रिएक्टेंट या फिर सब्सट्रेट रहेगा वो रहेगा अल्किल हैलाइड या फिर हेलो अल्केन। सो देखिए, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंडरगोस अच्छे से जा सकते हैं। ये हमको पता है, देन एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड बहुत अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, देन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी क्या होगा, ये जो एक्स ग्रुप है यहाँ से, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। देख रहे होंगे CX जो बॉन्ड होता है, इसकी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अनलाइक एटम है, तो यहाँ पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसलिए हैलोजन जो है अपने साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक हो जाएगा, क्योंकि ये जो हैलोजन यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने साथ निकलेगा, मतलब वो कार्बन को डिफिशियंट कर लेगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा, और यहाँ से जो एक हैलोजन यहाँ पर इस तरह से निगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर रिमूव होगा। तो यही रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन आप दो मेथड से पढ़ सकते हो। फर्स्ट मेथड से आप पढ़ोगे जहाँ पर रहेगा SN1 रिएक्शन या फिर SN1 मैकेनिज्म, और बाद में पढ़ोगे आप SN2 मैकेनिज्म। दोनों भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, बाद में मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में आपको समझाऊंगी कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम SN1 या फिर SN2 मैकेनिज्म ही क्यों है। तो सबसे पहले तो हम SN2 से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म होते हैं ये, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो SN1 या फिर SN2 हम ले, इससे पहले मैं SN2 दे देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो अल्कीन्स की, तो यहाँ पर कौन सा हेलो अल्कीन यानी कि अल्किल हैलाइड आएगा, इसका नाम रहेगा मिथिल ब्रोमाइड। ये है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथिल ब्रोमाइड की यहाँ पर रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, तो देखिए हमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ऐसे NaOH सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज में, और हाइड्रोक्साइड बेस है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज में। तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा इस मैकेनिज्म में हमको, ये है मिथिल अल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बनेगा NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। तो यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर की रिएक्शन, जहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्शन में, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और वो
टू देख रहे होंगे आप यहाँ पर ऊपर में एन के ऊपर में, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट में आप एन के टू देख रहे होंगे, जिसका मतलब है बायोग मॉलिकुलर, मतलब रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट और सब्सट्रेट दोनों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो कैसे रहेगा मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पर भी। सो मैकेनिज्म से आप इजीली समझ पाए, जो यहाँ पर मिथिल एल्कोहल जो आप प्रोडक्ट देख रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है, उसी के साथ साथ हम एस एन टू मैकेनिज्म के अदर पॉइंट्स या फिर अदर जो भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड है वो भी यहाँ पर मैकेनिज्म में हम सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पर। सो देखिए, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर सब्सट्रेट यानी कि रिएक्टेंट लिया था मिथाइल ब्रोमाइड, उसका स्ट्रक्चर हम लेंगे, और उसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को कैसे ध्यान रखोगे, तो आगे में हम जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप डिटेल में समझ जाइएगा, समझा दूंगी मैं आपको। बट आज की वीडियो में आप समझिए कि जो कार्बन से ये तीन हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये फ्लाइंग वेज फॉर्म में हम दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए कैसे दिखाएंगे, मैं लिख कर बता देती हूँ जिससे कि अच्छे से समझेगा। देखिए कार्बन है और कार्बन को यहाँ पर इस तरह से ब्रोमीन यानी कि एक हैलोजन अटैच है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से ये जो हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रहेगा ये प्लेन में रहेंगे, इसलिए यहाँ पर इस तरह की लाइन दिखाई है हमने डायरेक्टली लाइन, और ये जो लाइन डॉटेड लाइन दिखाई है इसका मतलब रहेगा ये जो बॉन्ड है यानी कि ये हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है थ्रू बिलो दी प्लेन, यानी कि बिलो दी प्लेन में अटैच होगा, ये प्लेन में नहीं रहेगा। और ये जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा ये रहेगा अबो दी प्लेन। अब इसकी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि ये एस एन हुआ, एस एन टू मैकेनिज्म में तो वही होता है सब्सटीट्यूशन, एस फॉर सब्सटीट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड टू फॉर बायोमोलिकुलर, यानी कि बायोमोलिकुलर। सो देखिए अभी हम रिएक्शन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये कार्बन रहेगा ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो किसी भी स्पीसीज को अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पीछे से अटैक करेगा। तो देखिए अभी कार्बन के पीछे से ही अटैक क्यों करेगा, क्योंकि एस एन टू मैकेनिज्म में जो अटैक होता है वो बैक साइड होता है। तो बैकसाइड अटैक को हम क्या कह सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन के बैकसाइड में अटैक करता है तब वहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने यहाँ से NaOH से ली थी जो कि रिएक्शन में आपको नजर आ रही होगी, तो भी प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगा। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, किस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें यहाँ पर। तो देखिए इस तरह की कुछ हमें ट्रांजिशन स्टेट मिली है। तो एस एन टू मैकेनिज्म में डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, ये रिएक्शन जो होती है एस एन वन ये कंसंट्रेट रिएक्शन होते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड आप साइमल्टेनियसली देखोगे। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जो है कार्बन से यहाँ से रिमूव हो रहा है यानी कि एलिमिनेट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन की बैक साइड में अटैक किया था तो इस तरह से बैक साइड में हमने शो किया है, और दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर होता है इनका, ये न्यूक्लियोफाइल इसके लिए इस जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अब एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, इसलिए ब्रोमीन भी निगेटिव होता है। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से मिथिल एल्कोहल फॉर्म होगा, बट यहाँ पर जो रिएक्टेंट के जो हाइड्रोजन थे वो किस तरह से रहेंगे, देखिए प्लस या से ब्रोमीन जो है अनायन के फॉर्म में यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए किस तरह से आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर जो देखेंगे आप ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम बैक साइड में, और बाकी के प्रोडक्ट में जो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो बॉन्ड है तीनों हाइड्रोजन ये फ्रंट साइड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड में अटैक किया था, इसलिए वो तीनों हाइड्रोजन इस तरह से अरेंज हो गए कि वो वहाँ पर फ्रंट में आ गए तीनों हाइड्रोजन। तो यही है SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म को आप ऐसे भी बोल सकते हो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए प्राइमरी अल्किल हैलाइड, और प्रोडक्ट हमें मिलेगा मिथिल अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल, और जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो रहेगा सोडियम ब्रोमाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 मैकेनिज्म, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म के बारे में ही बात की हमने, नेक्स्ट वीडियो में हम SN1 मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।